नमस्कार एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसी। और अब रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां एक युवक ने तीसरी शादी रचाई है। वहीं परिवार में शादी को लेकर विरोध है और परिवार ने मिलकर युवक को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला लिया है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर में एक ताजा मामला सामने आया है जहां एक परिवार के युवक ने अपनी तीसरी शादी की, जिस पर परिवार काफी नाराज है। और परिवार का कहना है कि हमारे लड़के का चाल चलन सही नहीं है, उसने पहले भी दो शादी की थी और तीसरी शादी की है। हमने उसको पहले भी कई बार समझाया है लेकिन वह नहीं मानता। परिवार ने उसकी संपत्ति से बेदखल करने का फैसला लिया है। 2 साल पहले भी उसको समझाया था जिसके बाद वह नहीं माना, उसकी कड़ी चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि युवक ने तीसरी शादी की है, लड़की से कोर्ट मैरिज किया है, जिस पर परिवार में कड़ा विरोध जताया है। उसके भाई अब्दुल अजीज ने कहा है कि अब्दुल लतीफ अगर भविष्य में कुछ भी करता है तो उसका जिम्मेदार खुद ही होगा, परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं। क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। सर, ये मामला मेरे भाई का है। मेरा नाम अब्दुल अजीज है और मेरा भाई अब्दुल लतीफ है। वो हमारे घर के अंदर एकदम नालायक है। वो आज के 1.5 साल पहले भी उसकी शादी करी थी हमने, जिसको उसने 2 मिसेज थी, एक से उसको तलाक दे दिया, एक का कारण से इंतकाल हो गया। अब उसने हमारे जो परिवार के रिश्तेदार हैं उनसे बच्ची थी इनकी कोई, उसके साथ उसने आज अपनी मर्जी से वापस से निकाह कर लिया, जिसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो गई है। पहले भी उसने हमारे को सभी तरफ शर्मिंदा करके रखा है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। आज के बाद हम परिवार वाला, मैं अब्दुल लतीफ के लिए फैसला लेता हूँ कि आज से उसका मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है, ना मेरे से ताल्लुक है उसका, ना मेरा घर पे आना जाना है, ना ही आज से मेरा कोई संबंध है। मैं अपनी संपत्ति से, परिवार से, मेरे भाई बहन बहन और मेरे बच्चों से सबसे उसको अलग करते हैं। उसका चाल चलन चरित्र कैसा है लड़के का? आपने पहले भी उसको संपत्ति से बेदखल किया था, सुनने में आया? हाँ, हमने आज के 1.5 साल पहले भी उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उसका चाल चलन ठीक नहीं है, आवारागर्दी करना, घूमना फिरना ऐसा उसका कार्य है और ढंग से काम नहीं करता कोई भी कार्य उसको बोलो तो। आज से हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे घर में उसके लिए और बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है। अब ये जो उसने शादी की है, ये कैसी शादी हुई? लव मैरिज हुआ है या क्या है? कौन किसकी लड़की है, परिवार की है या कहाँ से? ये हमारे करीबी रिश्तेदार है, उनकी बच्ची है। अब इन्होंने क्या किया, कैसे किया ये पता नहीं। हमारे पास कल शाम को समाचार आया था, सुबह यहाँ आना है, यहाँ आके देखा तो ये ड्रामा चालू था इनका, जिसको हम देख के बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब क्या है, समाज के लोगों से क्या बताएंगे कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है? आज हमारे को समाज के अंदर मेरा ये कहना है, मेरे भाई से और इस बच्ची से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये अपने हाल में मस्त रहो, जहाँ रहो जैसे रहो, इनका कोई भी कार्य होता है कैसे होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है आज से हमारी। ये आपने इसका हर तरीके से बायकॉट किया है? हाँ बिल्कुल, आज के बाद हम दोनों, बच्ची का और इस लड़के का, हमारी तरफ से बिल्कुल बायकॉट है। मेरे माता पिता की तरफ से भी बायकॉट है।